जी जी तो सभी को नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर नमस्ते जी। शर्मिला अस्थाना है, जैसा कि अभी आपने सुना होगा। हम आज हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो कि एक मॉड्यूल है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के 9 मॉड्यूल हैं, उसमें से जो हेल्थ है वो सेकेंड मॉड्यूल है। और इसके लिए AICT ने करीब 35 से 50 घंटे का समय रखा है, जिसमें कि ये जो होलिस्टिक हेल्थ की चर्चा हो रही है, जो लेक्चर्स वगैरह होंगे, उसके लिए 10 से 15 घंटों का समय रखा गया है। तो हम सब अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इसको रन कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी हम इस समय करेंगे, और आगे कहाँ आप इसके बारे में और जानकारी दिया। मुझे आवाज नहीं आ रही या डिस्कनेक्ट हो गई। जी, सुमला दीदी भी कनेक्ट हो रहे हैं दोबारा। जी, सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अभी सुमला दीदी दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, अब आपकी आ रही है। हाँ वो एक्चुअली कनेक्शन टूट गया। जी, हाँ ठीक है, अभी जब तक कि हम स्लाइड्स वापस ऑन करते हैं, मैं थोड़ी सी ये बात जो कह रही थी कि AICT ने जो ये रखा है प्रोग्राम हेल्थ का, तो ये काफी महत्वपूर्ण स्टेप है। मुझे लगता है कि ये देख पाना कि जो भी हमारी हैबिट्स हैं हेल्थ को लेके, हमारे स्वास्थ्य को लेके हम जो आदतें डालते जाते हैं, वो बचपन से स्टार्ट होके और फिर लाइफ लॉन्ग चलती जाती हैं। तो अगर हम शुरुआत में ही इनको बदल पाएँ, इनको सही कर पाएँ, तो हम अपने स्वास्थ्य को और अच्छे से उसकी देखभाल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो AICT ने लिया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी हेल्थ की बात हो। इनफैक्ट अगर देखें तो हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये बात होगी तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ सकता है हेल्थ में। एक सेकेंड, जी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ दीदी, क्लियर। ठीक। तो अगर हम ये हेल्थ की जो वर्कशॉप या जो पूरी बात को रखी जाएगी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें, तो एक तो ये कि जैसी सृष्टि है वैसा हम अपने आप को देख पाएं। मतलब कि अब जैसे मानव है तो केवल शरीर नहीं है जो दिखता है, लेकिन सेल्फ और बॉडी दोनों का एक सहअस्तित्व है। और यही नहीं, मानव अलग नहीं है सब नेचर से, एनवायरनमेंट से, उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये देख पाना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कुछ जो हेल्थ के प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सल है, हर हर किसी मानव के लिए लागू होते हैं, ये इसी
सृष्टि की जो रियलिटी है उस पे आधारित है, और फिर ये देख पाना कि इन्हीं यूनिवर्सल हेल्थ प्रिंसिपल से हम गाइडलाइंस जो हैं हेल्थ की वो निकाल सकते हैं, और ये जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रिंसिपल्स थे वो तो यूनिवर्सल होंगे, हर किसी के लिए लागू होंगे, लेकिन जो गाइडलाइंस होंगी वो थोड़ी अलग हो सकती हैं अलग लोगों के लिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल अब अगर हम यूनिवर्सल हेल्थ प्रिंसिपल देखें तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना ऐसा होना चाहिए जो शरीर के लिए पोषक हो, नर्चरिंग हो बॉडी के लिए। अब यही बात जब हम गाइडलाइंस की करेंगे तो अब अगर छोटा बच्चा है या एडल्ट है या बुजुर्ग बूढ़ा है तो उसमें यही जो पोषक तत्व है या जो पोषक खाना की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगे। फॉर इंस्टेंस जो छोटा बच्चा होगा उसमें ग्रोथ हो रही है तो उसके खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसका खाना उसी तरह से थोड़ा चेंज होगा। जो एडल्ट है उसको प्रोटीन इतनी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं है, उसमें थोड़ा और डिफरेंट हो सकता है कि थोड़ा हम अनाज को थोड़ा कम करें और फल सब्जी को थोड़ा बढ़ाएं। जो बूढ़ा या बुजुर्ग है उसमें अलग रिक्वायरमेंट है क्योंकि उनका जो खान पान है अब वो दांत कमज़ोर हैं, शरीर की पाचक शक्ति कमज़ोर है तो वो थोड़ा अलग टाइप का खाना खाएंगे। तो इस तरह जो गाइडलाइंस हैं वो वेरी कर सकती हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं यूनिवर्सल हैं, सबके लिए एक समान है। तो ये एक बात देख पाना, और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे इनको ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। तो जैसा कि एक जो हम डेली रूटीन बनाते हैं अपनी दिनचर्या कैसी हो, अगर हम जो साइकल्स हैं है सुबह सूर्य ऊपर उठता है फिर धीरे बिल्कुल सिर के ऊपर तक फिर नीचे के जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे हमारे शरीर में भी थोड़ा सा वॉइस आपका है ना कट रहा है तो हाँ ये जरा कैमरा बंद कर लें तो हो सकता है थोड़ा बेटर हो जाए। अच्छा अभी ठीक है मैं अभी ठीक है अभी ठीक है ठीक है कैमरा बंद कर देते हैं ठीक। तो ये देखें कि जैसे हमारा जो दिनचर्या है वो जो नेचर में जो साइकिल्स हैं जैसे दिन और रात का साइकिल है उससे कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो जब सूरज उगता है तो हमारी पाचन शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जब सूरज एकदम 12 o'clock पोजिशन में होता है तब हमारी पाचन शक्ति मैक्सिमम होती है शरीर की, और फिर जैसे जैसे दिन ढलने लगता है वैसे वैसे पाचन शक्ति और वीक होती जाती है। तो ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी दिनचर्या फिर उसी हिसाब से होगी, हमारा खान पान उसी हिसाब से होगा। तो ये सब मतलब इम्प्लीमेंटेशन की बातें हुई कि अल्टीमेटली क्या करना क्या है अपने को हेल्थी रखने के लिए। और फिर लास्ट में ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा पर्पस क्या है हेल्दी बॉडी का। हम पूरी लाइफ टाइम उसके पीछे लगे रहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे और कितने कितने मेहनत करते हैं शरीर स्वस्थ रहे, तो इन सब का पर्पस क्या है, एक स्वस्थ शरीर का एंड में पर्पस क्या है, वही एक पर्पस है या उसके पीछे कुछ एक बेटर पर्पस है। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके तहत जब हम बात करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि अगर हमको स्वास्थ्य को होलिस्टिकली देखना है और हर तरह से स्वस्थ होना है तो फिर हमें इसको तीन भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो हुआ हेल्थ ऑफ द सेल्फ कि मैं जो हूँ
मैं स्वस्थ हूं कि नहीं, क्योंकि अगर मैं स्वस्थ हूं, मेरे अंदर एक हार्मनी है, तो फिर मेरे में ये सही समझ और सही भाव रहेगा, और उस सही भाव के तहत मुझे एक मेरे में एक संयम का भाव होगा, जिसके साथ मैं शरीर का ध्यान रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। तो हेल्दी सेल्फ, ये एक पार्ट हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शरीर को स्वस्थ रखने का। फिर आया फिजिकल हेल्थ या हेल्थ ऑफ द बॉडी। तो अगर हम देखें तो शरीर में तो ऑलरेडी एक हार्मनी रहती ही है, बचपन से ही हम देखें जब पैदा होते हैं बच्चे, तो 99% बच्चे तो स्वस्थ ही पैदा होते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम कुछ कुछ गलतियां करते रहते हैं, हमें समझ नहीं होती, तो हम शरीर का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, तो शरीर की ना स्वस्थता कम हो जाती है। तो हम अगर ये देख पाए कि बॉडी में तो हार्मनी है ही, लेकिन उसको कैसे हम हार्मनी बने रहने दें और उसको डिस्टर्ब ना करें, तो वो जब हम देखेंगे तो हमें फिर हेल्थी बॉडी के बारे में हम ध्यान दे सकते हैं। और तीसरा, जो कि बाहर जो एनवायरनमेंट है उसका भी हमारे शरीर के हेल्थ के ऊपर असर पड़ता ही है। तो हमारी फैमिली में अगर आए दिन झगड़ा हो रहा है या कुछ ना एक सुखी परिवार नहीं है, तो उसका हर बच्चे के ऊपर, हर मेंबर के ऊपर, फैमिली मेंबर के स्वास्थ्य के ऊपर फर्क पड़ता ही है। समाज में अगर डर है, भय है, तो उसका भी हमारे शरीर के ऊपर असर पड़ता है। नेचर में अगर हार्मनी हमें नहीं समझ में आई है, हम कुछ अलग थलग कर रहे हैं, तो उसका भी असर होता है। तो अल्टीमेटली हेल्थी एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब अगर हम देख पाएं तो हमें दिखेगा कि हमें इन चारों स्तरों पे हार्मनी में रहना होगा, तभी हम पूरी तरह से होलिस्टिकली हेल्थ को इंश्योर कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, और नेचर और एग्जिस्टेंस के लेवल पे। तो ये हुई बात होलिस्टिक हेल्थ की। तो यही चीज आप इसमें देख सकते हैं, ये जो येलो पार्ट है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, समझ की बात। इसी समझ से आधारित फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, उससे गाइडलाइंस बनाते हैं, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि ये ब्लू पार्ट में आप देख पा रहे हैं। तो उसमें ना कैसा हमारा खान पान हो, हम जो भी इनटेक है हमारा, जो हम ले रहे हैं अंदर, वो कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हम थोड़ा बहुत ये जो श्रम की बनाए, थोड़ा एक्सरसाइज व्यायाम पे ध्यान दें, कुछ और तरीकों से स्वास्थ्य को ठीक रखें, जैसे कि आसन प्राणायाम करना और ये सब, और इनसे कैसे हम शरीर को एक हार्मनी बने रहने दे सकते हैं। लेकिन कभी कभार जब गड़बड़ होती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हम शरीर को वापस स्वस्थ बना पाए। तो उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने रूटीन में, दिनचर्या में, वो सब हम चेंजेस करें और ये देख पाए कि बीमारी आने के पहले भी कुछ इंडिकेशंस होते हैं, शरीर से कुछ संकेत मिलते हैं, जो कि हम अगर उन पे ध्यान दें तो हमें दिखेगा कि कुछ अंदर बिगड़ी है, तो उसको हम ठीक कर पाए। और ये ब्राउन वाला नीचे तो पूरा नेचर और एग्जिस्टेंस की बात है। तो ये हुआ हमारा प्रोग्राम फॉर हेल्थ, जो कि सेल्फ रेगुलेशन की बात हुई थी। तो नंबर एक पे इनटेक, डेली रूटीन, लेबर एक्सरसाइज, और ये जो योग प्राणायाम की बात हुई थी, इतना हम कर लेंगे तो 99% 95-99% तो हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स वैसे ही नहीं होंगे, कुछ डिजीज की प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन कभी अगर हो जाए तो फिर सेकेंड नंबर पे हम दवाई के बारे में सोचे, और लास्ट रिजॉर्ट पे ट्रीटमेंट, यानी कि कोई मशीन या कोई और
ड्रग जिससे कि बॉडी का कोई फंक्शन देना पड़े। ये एक एग्जाम्पल है ऑफ अ हेल्थ ट्रैकर, जिससे कि हम अपना ट्रैक कर सकते हैं दिन भर की हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हम ठीक तरह ना हमारी दिनचर्या जो नेचर में होनी चाहिए वैसी है कि नहीं। और इसमें आप अपने अपने अंदर मतलब अपने हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स डाल सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है रिमाइंडर के तौर पे। तो आउटकम क्या होगा ये सब पूरा प्रोग्राम करने से? एक तो हमारी दिनचर्या ठीक हो जाएगी और इससे हमारी हेल्थ जो है बेटर हो जाएगी। हमारे अंदर संयम का भाव आएगा तो हम अपने शरीर के स्वास्थ्य का खुद देखभाल हम कर पाएंगे। जब हमें ये कॉन्फिडेंस होगा कि हम बीमारी से दूर रह सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं, अभी जैसे पैंडेमिक हो गया, कोविड हो गया, तो इतना भय से ही लोग घबरा रहे थे, तो हमें ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं डिस्पाइट द पैंडेमिक। और इससे हमारी एक तो जो डिपेंडेंस है अभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर वो भी कम हो जाएगी। तो ये इसके कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं। अब इसके बारे में कहाँ हम मटेरियल देख सकते हैं, तो ये जो पहले बात हो रही थी जस्ट स्टार्टिंग के पहले, लास्ट ईयर जब ये ESIP का प्रोग्राम हुआ था तो जो टॉक्स हुए थे, सेशंस हुए थे हेल्थ के ऊपर, वो सब रिकॉर्डेड थे और यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। और जो PPTs वगैरह यूज़ हुई हैं वो ये जो लिंक दिख रहा है यहाँ आपकी रिमाइंडर मेल में भी है ये लिंक, उस मेल उस रिमाइंडर से ये लिंक पे जाके आप वहाँ ये देख पाएंगे ये PPTs। एक ई-बुक प्रोसेस में है जो कि रेडी होते ही हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो इतनी बात मुझे रखनी थी। और अगर आई थिंक प्रश्न अभी है कि जी एक परीक्षित भैया एक या दो प्रश्न अभी ले सकते हैं या सारे प्रश्न अंत में हैं? अच्छा ऐसा बता रहे हैं कि एंड में लेना बेटर है कि... जी रुचिर भैया भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी जी जी, जी, जी. बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला अस्थाना दीदी।